हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में काफ़ी कमेंट आ रहे थे। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे पीटीआई भर्ती की नई अपडेट को लेकर, और पीटीआई भर्ती की जांच जो शुरू कर दी गई है उसमें काफ़ी जांच में जो खुलासा हुआ है उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। 2018 और 2022 की भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी नई भर्ती की कितनी उम्मीद है, कब तक आ सकती है, उसके बारे में भी इसके अंदर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी चैनल पर आपको सबसे पहले और बढ़िया अपडेट फिजिकल से रिगार्डिंग आपको दी जाती है। तो चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर BPED, PTI, फिजिकल से संबंधित हर प्रकार न्यूज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। अभी चलिए बात करते हैं 2018 वाली भर्ती की। पीटीआई भर्ती 2018 का पेपर वांगड़ से लीक होने की आशंका। डूंगरपुर के दो एजेंट पेपर लेकर आए, इन सहित 16 नौकरी लगे भी। दो तो एजेंट हो गए, उनके सहित 16 और नौकरी लगे। चार जिलों के 40 और संदिग्ध। मास्टरमाइंड हरीश सारण को ढूंढने गोवा गई पुलिस, खाली हाथ लौटी SOG टीम भी पहुंची। 2018 वाली भर्ती में भी पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है साथियों। ये अखबार की न्यूज़ है, भास्कर की न्यूज़ है, आप इसको देख सकते हैं। और शिक्षक भर्ती 2022 तो काफ़ी समय से चर्चा में बनी हुई है भाई। और देख लीजिए, अभी जो नई भर्ती आती है, नई भर्ती के अंदर जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अपना फॉर्म को एकदम सही तरीके से भरना, क्योंकि मिसमैच भी एक सबसे बड़ा कारण है। जो ये संदिग्ध में आ रहे हैं, जो ये घेरे में आ रहे हैं, ये सबसे प्रमुख कारण मिसमैच डाटा को माना जा रहा है भाई। भारत में ही पेपर लीक सरगना, सुरेश ढाका करना चाहता है सरेंडर, ठीक है ना। देखिए, अभी पिछली जो भर्ती हैं उनमें भी पेपर लीक के मामले का काफ़ी खुलासा हुआ है। रीट में भी पेपर लीक मामले की बात आई है, और PTA भर्ती की फर्जी डिग्रियों को लेकर लगातार अपडेट देखने को मिल रही है। वन रक्षक भर्ती 2022 का पेपर लीक हुआ, बाहरी एजेंट मोबाइल में लेकर आए थे और स्थानीय दलालों के जरिए 10 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही हल करवा दिया था पेपर। पेपर लीक करने के जितने भी आरोपी हैं लगातार पकड़ में आ रहे हैं, और जितने भी फर्जी डिग्री को लेकर अपडेट आ रही है उनमें सब धीरे धीरे सब पकड़ में आ रहे हैं। अभी वन रक्षक भर्ती के अंदर भी काफ़ी मामला देखने को मिला। 8-8 लाख रुपये देकर परीक्षा दी, 2 घंटे पहले लिए थे पेपर। देखिए, भी काफ़ी PTA भर्ती में ही नहीं, लगभग सभी भर्तियों के अंदर ये समस्या देखने को मिल रही है। और देखिए, फर्जी नौकरियों की जांच अब SOG के हाथ में है। जो फर्जी डिग्री लेकर आए हैं, फर्जी तरीके से डमी कैंडिडेट बिठाकर जो नौकरी ली है उनको अब खतरा मंडराने वाला है भाई। उनको धीरे धीरे SOG अपनी पकड़ में ले रही है। बांसवाड़ा से ज़्यादा फर्जीवाड़ा डूंगरपुर में, पुलिस जाँच अभी सुस्त है भाई, ठीक है ना। पेपर लीक के आरोपी हरीश की पत्नी दायरे में, काफ़ी साथियों की पकड़ आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन रक्षक पेपर लीक के अंदर जो आरोपी पकड़े गए हैं। और देखिए भाई, फर्जी डिग्री को लेकर एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि BPED की डिग्री सबसे ज़्यादा फर्जी मिली है, और PTA भर्ती 2022 के अंदर भी लगातार अपडेट आ रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा फर्जी डिग्री वाले हैं। तो फर्जी डिग्री की सबसे बड़ी अपडेट अभी लेटेस्ट के अंदर, 9 साल में 1300 डिग्रियाँ बांटी, 26 करोड़ रुपए वसूले। OPGS संचालक जोगेंद्र ही फर्जी डिग्रियों का मास्टरमाइंड, केस होते ही थाईलैंड भागा था भाई। देखिए, OPGS का नाम पहले ही सुर्खियों में आ रखा था, इसने फर्जी डिग्रियों को लेकर, अब इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन्होंने 1300 से समथिंग डिग्रियाँ बाँट दी है अभी फर्जी OPGS यूनिवर्सिटी ने। OPGS यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लाने वालों के नाम हो गए सार्वजनिक, यानी किन किन अभ्यर्थियों ने यहाँ से डिग्री प्राप्त की थी उन सब के नाम अब सार्वजनिक कर दिए जाएंगे भाई। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वालों की होगी पहचान, अगर वो नौकरी लग भी चुके हैं तो भी उनकी नौकरी का खतरा उन पर मंडरा रहा है। जितने भी फर्जी डिग्री लेकर लगे हुए हैं, OPGS यूनिवर्सिटी संस्थापक जोगेंद्र सिंह सहित 3 आरोपी 12 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे। जितने भी फर्जी डिग्रियों को लेकर अपडेट आ रही है, जितनी भी फर्जी तरीके से डिग्रियां की हुई है उनको समस्या उत्पन्न होने वाली है। डिग्री जब भी आप करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, एकदम अप्रूवल यूनिवर्सिटी से करें। आप को अपने स्तर पर भी जांच करनी है, NCTE और UGC की साइट पर जाकर चेक करें, पूरी आपको पुख्ता होने के बाद ही आप डिग्री करें, क्योंकि जब तक आपको खुद को कन्फर्म नहीं हो जाए, आप साइट पर जाकर चेक नहीं कर लें, तब तक आप डिग्री नहीं करें। क्योंकि आज का जो समय है फर्जीवाड़े
की जो न्यूज़ आ रही है वो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और साथियों, नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार पीटीआई की 2022 वाली भर्ती भी सुर्खियों में बनी हुई है। उसमें भी फर्जी डिग्री को लेकर काफ़ी बातें चल रही है, क्योंकि बच्चों की ये मांग है कि जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनको बाहर निकाला जाए ताकि और लिस्ट आए और जो बच्चे आधे नंबर से, एक नंबर से, दो तीन नंबर से रहे हैं उनको मौका मिल सके। यानी मेरिट थोड़ी डाउन आएगी अगर फर्जी डिग्री वाले बाहर निकलेंगे, तो जो बैकलॉग में सीटें गई है हो सकता है भी उनको भी वापस निकाल कर जो मेरिट डाउन आएगी तो उन बच्चों को मौका मिल सकता है जो एक आधे नंबर से इंतज़ार कर रहे हैं जॉब का। इसलिए वो लगातार मांग उठा रहे हैं कि हमारी जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनको बाहर किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी ऐसी अपडेट निकल कर नहीं आई है। जैसे ही पूरा खुलासा हो जाता है कि फर्जी डिग्री कितने बच्चों के पास है और वो अभी वर्तमान में जॉब लग चुके हैं, उनकी अपडेट आएगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी टेलीग्राम चैनल है, जाकर अभी आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी सब जगह आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीटीआई से संबंधित हर प्रकार की न्यूज़ प्रोवाइड करवाने का प्रयास हमारा रहता है। और साथियों देखिए, विद्या संबल योजना है जिसमें 1.07 लाख पद अभी भी खाली है। पिछले साल आई थी भर्ती, 1.5 लाख से अटकी है विद्या संबल योजना। विद्या संबल के अंदर पिछले साल एक भर्ती निकाली गई थी जिसके अंदर शिक्षकों को कॉलेज स्कूल में रखा जाना था और उनकी जो वेतन भी तय किया गया था, लेकिन वेतन कहाँ से उठाया जाएगा इसको लेकर संशय था, फिर उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब देखिए कितने पद खाली अभी भी दिखा रहे हैं, ये न्यूज़ है अखबार की, आप देख सकते हैं। माध्यमिक के अंदर अगर अपन बात करें तो ये इतने पद इस भर्ती के दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुल पद और खाली पद भी शो कर रहे होंगे। अगर अपन प्रारंभिक विभाग की बात करें कि प्रारंभिक विभाग के अंदर पीटीआई के कितने पद हैं, तो पीटीआई के कुल 8174 पद हैं, जिनमें से 1340 पद अभी भी खाली दिखा रहे हैं भाई। और कुछ 2022 वाली भर्ती के अंदर पद खाली रहे हैं वो भी पद हैं, और कुछ पद ये यहाँ पर खाली दिखा रहे हैं। तो आने वाली भर्ती, अच्छे पदों पर भर्ती आने की उम्मीद कर सकते हैं। भर्ती कब तक आ सकती है इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर नई भर्ती कब तक आने की संभावना है, पीटीआई की जो नई भर्ती है उसकी अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 से पहले पहले भर्ती आने का अनुमान है, कोई भी एक स्टिक आंकड़ा नहीं है। भर्ती सरकार कब जारी करती है, भर्ती जारी करेगी लेकिन कब तक जारी होगी इसका अभी तक कहीं भी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। भर्ती अभी आने की चांस है, भर्ती आएगी, 100% भर्ती आएगी। भर्ती आएगी तो आपको तैयारी अपनी अभी से शुरू करनी होगी, भर्ती आने के बाद आपको समय बहुत कम मिलेगा, इससे अच्छा है कि आप तैयारी को अपना अभी से शुरू कर दीजिए। पीटीआई की भर्ती आएगी, 2000 से 3000 के बीच में भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों की आने की उम्मीद है, तो अपनी तैयारी को आज ही से शुरू कर दीजिए साथियों। भर्ती जब भी आएगी आपको अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर से बेहतरीन बनाना है, इसलिए आप अपनी तैयारी को प्रॉपर रूप से शुरू कर दीजिए। उम्मीद करते हैं 2025 से पहले पहले भर्ती आ जाए, और उम्मीद यही है कि 2025 से आने पहले आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। अपने पास ऐसा कोई भी स्टिक आंकड़ा नहीं है कि भर्ती 2025 तक आ जाएगी। आपके पास जो भी आपकी राय है आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है, भर्ती कब तक आने की उम्मीद है, कितने पदों पर आ सकती है, आपकी राय सर्वोपरि रहेगी। सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगर पीटीआई से, बीपीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर प्रकार की अपडेट देने का प्रयास हमारा रहता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों को जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं या पीटीआई भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।